carjini.pk, Pakistan's most trusted name for buying and selling of cars, bikes and auto parts. Assalamu alaikum carjinis, main hu carjini ehtisham carjini.pk se aur aaj aap hum dekhne lage hamara naya episode. Aaj tareekh hai 5 march 2020 aur mausam jo ek dafa dobara se thanda ho gaya, bahut zyada expect nahi kar rahe the hum video banane lage to ekdam se bahut windy aur cloudy ho gaya aur बहुत ज़्यादा माजरत, काफ़ी अच्छे से वीडियोस नहीं बनाई, उसके लिए करा था वीडियो बनाऊंगा क्यों नहीं बनाई। और आज जिस गाड़ी को मैं लेकर आया हूँ आपके पास, ये एक कार फॉर सेल है, ये रिव्यू नहीं है, ये एक कार फॉर सेल है। और ये है 2012 टोयोटा क्रोला एल्टस सनरूफ क्रूसटॉनिक 1.6 लीटर फुल ऑप्शन मॉडल उस वक्त के हिसाब से। ये गाड़ी, मैं इस गाड़ी को थोड़ा सा आपको हिस्ट्री इसकी बता दूँ। इस वक्त ये गाड़ी सेकेंड ओनर के नाम पर है और ये गाड़ी मैंने एक आर्मी ऑफिसर से ली थी। और पर्सनली जो मैंने इस गाड़ी को यूज़ किया, वो ये यूज़ किया मैंने इस गाड़ी को कि मैंने ये गाड़ी बाय की उनसे इस्लामाबाद के पास से, फिर मैं इसको पेशावर ले गया, वहाँ दो दिन अपने दोस्त के पास स्टे किया, वहाँ पेशावर में भी हम इसको यूज़ करते रहे और फिर पेशावर से लाहौर वन डे ड्राइव पर मैं आया हूँ। तो मुझे इस गाड़ी ने कोई प्रॉब्लम नहीं दिया, बड़ी बेहतरीन, आई मीन मोटरवे के ऊपर 120 प्लस पे क्रूज़ वगैरह एवरीथिंग वाज परफेक्टली ऑलराइट। और फ्यूल एवरेज जो थी दैट वाज अमेजिंग, इसने मुझे तकरीबन कोई 17-18 के करीब इसने एवरेज दिया इस गाड़ी ने। इससे पहले कि हम अपना आज का प्रोग्राम स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको मिलते रहे हमारे न्यू वीडियोज़। इसके अलावा याद रखिए carjini.pk सिर्फ एक कार डीलरशिप नहीं है, ये जो है एक कम्प्लीट कार पोर्टल है जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, जिसके ऊपर आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन भी होगी और वेबसाइट भी होगी जिसके ऊपर आप अपनी कार्स जो हैं फॉर सेल पोस्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम यहाँ से देखते हैं गाड़ी का रिव्यू। ये गाड़ी की लेफ़्ट साइड है, ये फुल ऑप्शन है गाड़ी, थोड़ा से सामने आ जाए। तो इस गाड़ी में जो आपका जनरल सवाल होगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि टचिंग तो खैर बिल्कुल नहीं है, सॉरी इंजन तो बिल्कुल ठीक है, सस्पेंशन बेस्ट है, योकोहामा के नए टायर्स डले हुए हैं गाड़ी के अंदर। टचिंग जो है वो इस गाड़ी में ये है कि ये यहाँ पर तकरीबन जो गाड़ी का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो है, ये इतना हिस्सा जो है ये शावर्ड है और ज़ाहिर है बाकी हिस्से को लेकर करना पड़ा बाकी के पीसेस को, क्योंकि सारा पेंट एक जैसा करना होता है। तो अगर आप थोड़ा पीछे होके भी देख लें तो आपको कलर में जो है स्लाइट सा डिफरेंस आपको नज़र आएगा अगले दो पीसेस में और पीछे, और बाज़ुकात वो नहीं भी नज़र आता। और उसकी रीज़न ये है कि शायद थोड़ा पेंट जो है वो अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल नहीं किया जिन लोगों ने इस्तेमाल किया इसके ऊपर पेंट, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर मज़ीद कोई 10,000 रुपया लगाया जाए तो ये कलर मैचिंग और बड़ा अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये जो है उन्होंने मुझे बताया था जो आर्मी ऑफिसर थे, कहने लगे कि ये कोई साइकिल टच कर गई थी जिसकी वजह से जो है ना ये थोड़े से स्क्रैचेस थे, अदरवाइज इसमें कोई पुटीन वगैरह नहीं है। बाकी बैक से गाड़ी बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, मैंने पर्सनली जब गाड़ी ली थी तो या वहाँ पर जो है मुझे उस वक्त तो नज़र नहीं आया, बाद में मैंने देखा यहाँ पर करके मुझे इस जगह पर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि शायद ड्राई डेंटिंग हुई है या शायद थोड़ी सी अगर कोई डेंट था उसको रिमूव करने के बाद थोड़ा सा किया गया। लेकिन ये कि वैसे पूरा दरवाज़ा जो है वो सील टू सील है और ओरिजिनल है और इसके जो है पुटीन वगैरह कहीं पे भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इधर से आ जाएं गाड़ी की बैक साइड से, तो बैक से ट्रंक है बिल्कुल साफ है और बिल्कुल भी पेंट वगैरह नहीं है। दूसरी साइड पे आ जाएं इसकी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना, अगर ये भी मुझे गाड़ी लेने के बाद नज़र आया था, ये यहाँ पर एक हल्का सा ड्राई डेंट है इस जगह पर, बिल्कुल स्लाइट सा ड्राई नहीं है बल्कि ये हल्की सी प्रेस सी है जिसमें कोई चीज़ वज़न पड़ता है कुछ इस तरह का, थोड़ा सा महसूस होता है लेकिन एज सच है नहीं। तो लेकिन ये अपने ओरिजिनल पेंट के अंदर है। ठीक है, और जो है आपका ये पूरा पीस जो है गाड़ी का ये भी जेन्युइन है। इस पर थोड़ा सा शक था मुझे कि ये शायद पेंट है लेकिन मैं कोई यकीन से नहीं कह सकता कि क्या है इसके अंदर। और ये हमारी गाड़ी की ओवरऑल बॉडी है, छत गाड़ी की देख लें बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। और थोड़ा सा गाड़ी का इंटीरियर हम चेक कर लेते हैं, ये ज़रा अंदर से देखिए आप, गाड़ी का इंटीरियर बिल्कुल साफ़ सुथरा है, सीट कवर्स बिल्कुल नए हैं, आपको किसी किस्म के कोई एक्सपेंसेस की ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर। स्टेयरिंग व्हील के ऊपर जो है बिल्कुल अच्छा सा कवर चढ़ा हुआ है तो आपको किसी किस्म की कोई वो प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। और एक्चुअल 85,000 ड्रिवन है ये गाड़ी और ये इसकी माइलेज है। मैं ज़रा गाड़ी को स्टार्ट भी कर देता हूँ अभी,
और आप देखिए इसका रूफ अंदर से बिल्कुल साफ़ है इस गाड़ी का। ज़ाहिर है आर्मी ऑफिसर मेंटेन्ड है गाड़ी जी, बहुत अच्छी कंडीशन उन्होंने रखी हुई थी गाड़ी, और वो बेसिकली कोई जापनीज़ की तरफ मूव करना चाह रहे थे जिसकी वजह से उन्होंने ये गाड़ी ली थी। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, और इंजन की आवाज़ भी आप चेक कर लें, साइडों पे देख लें, ये बिल्कुल इसके पैनल्स वगैरह बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। बैक साइड पे आ जाएं, बैक साइड पे पैनल्स देख लें, इधर से देख लें, ये बिल्कुल अंदर से गाड़ी साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन इंटीरियर। और बाय द वे मैंने इस गाड़ी को बिल्कुल यानी कि ना कुछ भी इसको सर्विस वगैरह नहीं किया हुआ। उसकी रीज़न ये थी कि एक्चुअली मतलब इटसेल्फ इतनी अच्छी कंडीशन में थी कि मुझे कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि मैं इसके साथ कोई एक्स्ट्रा मेहनत करूँ। तो ये इधर फ्रंट से आ जाएं जी, बोनट चेक करते हैं हम गाड़ी का। गाड़ी की ओवरऑल एक बड़ी ख़ूबसूरत सी लुक है, इसका भी हम बोनट उठा के देखते हैं। जी इधर लें, ये इंजन आप देखें अपनी ओरिजिनल कंडीशन के अंदर है। इसको अभी तक कोई हमने किसी किस्म का पॉलिश या क्लीनिंग नहीं की, इसकी करनी चाहिए थी लेकिन नहीं की। और ये देखें आप इसके जो अंदर का फैब्रिक है ये कितना साफ़ सुथरा है। इससे आइडिया होता है कि गाड़ी जो है वो अच्छे हाथ में वेल मेंटेन्ड रह चुकी है गाड़ी। और इसमें जो एक चीज़ थोड़ी सी मैं मिस कर गया, ये बोनट इसका वैसे साफ़ है, ये एक थोड़ी सी लाइन यहाँ पर है और ये थोड़ी सी ये है, लेकिन मेरा ख्याल है ये अगर इसको थोड़ी सी हम कलम की टचिंग कर दें तो ये इग्नोरेबल है। तो ये है जी गाड़ी हमारे पास 2012 मॉडल फॉर सेल है। और काइंडली इसको मिक्सअप ना कीजिएगा, एक पुरानी वीडियो है नवंबर 2019 की, ये वो गाड़ी नहीं है, ये उसके अलावा दूसरी गाड़ी है। तो इसलिए मैंने आज की डेट मेंशन की है कि आज 5th of March 2020 है। तो अगर आप लोग इस गाड़ी को बाय करना चाहते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन के नीचे दिया हुआ आ रहा है 03114644470, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। और याद रखिए कि आप गाड़ियां हमें सेल भी कर सकते हैं, हम आपकी गाड़ियां बाय भी कर लेते हैं। और अगर आप हमसे कोई गाड़ी बाय करना चाहते हैं जस्ट गिव अस अ कॉल, हमारे पास जो कुछ स्टॉक में होगा आपको बता दिया जाएगा उसी वक्त। और एक दफ़ा फिर जाने से पहले रिपीट करूँगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और हमारा जो वेब पोर्टल है carjini.pk इंशाल्लाह जल्द एक्टिवेट हो जाएगा और आप उसके ऊपर अपनी कार्स और स्पेयर पार्ट्स और बाइक्स वगैरह जो है सेलिंग के लिए पोस्ट कर सकेंगे जिस तरह आप दूसरे पोर्टल्स पे करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, carjini को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। carjini.pk, Pakistan's most trusted name for buying and selling of cars, bikes and auto parts.